Yes guys, तो welcome back to my channel. मैं हूँ आरती विश्वकर्मा, आप लोगों को तो पता ही होगा। और अब मैंने क्या सोचा था कि मैं बहुत पहले जब बिग बॉस स्टार्ट हुआ था तब एक वीडियो बनाऊंगी, जो कि बहुत अच्छा वीडियो बनाऊंगी बिग बॉस के ऊपर। और पर क्या हुआ था कि कुछ कुछ कारणवश, जैसा कि आपको पता ही, अगर आप मेरे ब्लॉग्स देखते होंगे, तो वो नहीं हो पाया। पर चलो कोई बात नहीं, मैंने सोचा कि अब बना लेती हूँ फाइनली, क्योंकि ख़त्म होने वाला। और बिग बॉस, मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ बिग बॉस की, और मैंने ये सीज़न देखा जो OTT 2, तो मुझे पता नहीं था कि OTT 1 भी आ चुका है। मैं इस बार देखा किस किस की वजह से, मैं बताती हूँ। पुनीत सुपरस्टार जब मुझे पता चला था ना, तब पुनीत सुपरस्टार आ, तो पहले एपिसोड से देखना चालू किया था। अच्छा, पर उसके बाद मनीषा इंसान बोल रहे थे, जय हिंद दोस्तों, मनीषा रानी की वजह से। तो अब मैं फेवरेट कंटेस्टेंट बता देती हूँ। तो सबसे टॉप में है मेरे एस फेवरेट, आप लोगों के तो मुझे पता है टॉप में एल्विश यादव ही रहेगा, लेकिन मेरे फेवरेट है फुकरा इंसान AKA अभिषेक, और सेकंड है मनीषा रानी, या मनीषा रानी / एल्विश यादव। और अब जबकि बहुत सारा तगड़ा कंपटीशन हो रहा है कि कौन जीतेगा, अभिषेक जीतेगा या फिर एल्विश यादव जीतेगा, या सिस्टम हैंग होगा कि इंसान। तो अब मैं कुछ ऐसी चीज दिखाऊंगी कि क्यों फुकरा इंसान को जीतना चाहिए। और फुकरा इंसान ने हर जगह अपना ओपिनियन शेयर किया, अपना POV रखा है लोगों के सामने, जहां उनको गलत लगा है वहां वो बोले, चाहे वो उनके दोस्त हो चाहे वो उनके दुश्मन हो। तो आप लोग देखिए, छोटे लोग, छोटी सोच, गलती इंसान से होती है। किसी को ऐसे बोलना कि छोटे लोग, सबको आप ये नहीं बोल सकते कि तुम सारे छोटे लोग और छोटी सोच। आपने बोले छोटे लोग और छोटी हरकतें, तो दैट इज अनफेयर, आई डोंट टेक दैट। नो, आप उसको, अगर मैं वहां बैठ के किसको बोलूं, नो दिस इज रॉन्ग, मतलब आपकी बात कहीं से कोई कर रहा है, 100%। अगर आप किसको ऐसे मार के छोटे लोग बोलते हो, मैं एग्री नहीं करता, मैं नहीं करता। और मैं हरकतें आपकी भी मैम अच्छी नहीं रही, आपने भी बहुत हरकतें करी है। जब मैडम को, मेरे को लगा था कि यहाँ पे एल्विश भैया बोलेंगे कि नहीं आप गलत हो, छोटे लोग छोटी सोच, कोई बात नहीं, उन्होंने सुना नहीं था, उन्होंने बाद में ये बोला कि मैंने सुना नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हटाओ उसको। लेकिन अभिषेक भैया ने इधर पे इतना अच्छा पॉइंट लिया है, इतनी अच्छी पॉइंट चीज़ पकड़ी है कि छोटे लोग छोटी सोच, और उन्होंने पूरा क्लियर बोला था छोटे लोग छोटी सोच। सिर्फ अभिषेक भैया और उनके ग्रुप के लोगों को थी, जैसे मनीषा रानी हो गई और एल्विश भैया हो गए, जिया मैडम हो गई, और भी ऐसे कुछ लोग, तो मैं कंसीडर करूंगी कि इसलिए एक ये भी विनर क्वालिटी है कि जहाँ पे उनको बोलना चाहिए और हर चीज की सही बात पकड़ते हैं। पूजा भट्ट, आलिया भट्ट, लोग छोटी हरकतें, इतना बड़ा ढोगला कोई कैसे हो सकता है। सारे कैमरा है पूरे टाइम चल रही रिकॉर्डिंग और लाइव देख रही जनता, फिर भी बोलती छोटे लोग छोटी सोच, नहीं मैंने छोटे लोग छोटी क्या हरकतें बोला था, मतलब हम लोग को पता चल गया सही। कंट्रोल कंट्रोल, यू माइट विन द बैटल, यू विल नॉट विन द वॉर। तो इंडिविजुअली मैं बोलूंगी और कीचड़ में अपने आप पे डालूंगी। सबसे पहले बात की जाए तो मुझे लगता है कि मनीषा रानी को यहाँ से, घर से निकल के सबसे पहले पूजा भट्ट क्लासेस या स्कूल में ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यार इतनी अच्छी प्रिंसिपल है, जो यू माइट विन द बैटल बट नॉट द वॉर। इसका मतलब आप लोगों को बता, आप लड़ाई जीत सकते हो लेकिन युद्ध नहीं। I'm back. Yeah. Classy, Fuji, Badge. Yeah. वैसे तो लोग मुझे एग प्लान भी बोलते हैं, पर आप लोग बैंगन या ब्रिंजल ही बोल सकते हैं, तो प्लीज जाके। ओके, ठीक है। और दूसरी बात, इन्होंने क्या बोला कि हाँ कीचड़ उछालने वाली बात, कि मैं अपने ऊपर कीचड़, तो आपने ऐसे कर्म किए, आपके पाप हैं ऐसे जो आपको कीचड़ उछालना चाहिए, अपने ऊपर ये कीचड़ डालना चाहिए, ठीक है। और वैसे भी वो कीचड़ नहीं था, वो मिट्टी थी, अरे वो मिट्टी थी, उससे फेस पैक बनता है लोगों का, पर कोई बात नहीं, चलो जाने दो। मैं, मेरे ऊपर कोई मिट्टी डाल लो तो मैं तो डलवा लूँ आराम से मिट्टी, जो क्योंकि अच्छी वो मिट्टी थी, क्योंकि सलमान खान ने बताया था वीकेंड के वार में कि वो बहुत अच्छी मिट्टी थी जिससे स्किन अच्छी होती, तो अगर ऐसा कुछ होता तो मैं करवा लेती, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और मेरे को समझ नहीं आता ये पूजा भट्ट का क्या है, ये फिर अब अपनी बहन के फॉलोअर्स के रवान लगी।
बात इनको कौन समझाए कि जो आलिया भट्ट है नेपोटिज्म की सच्ची मिसाल है, और ये लोग जो हैं ये अपनी मेहनत से अभिषेक भैया हो गए, एल्विश भैया हो गए, मनीषा रानी हो गई, और जिया दीदी हो गई, और कौन हो गया, जो भी हो गया, यहाँ पे मेहनत करके आए। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। बेबिका हो गई, आप हो गई, आपकी बहन हो गई, आलिया जी हो गई। तो क्या होता है कि ये लोगों को पका पकाया, जैसे कि जिया ने सही बोला था कि पका पकाया दे दिया गया इनको थाली में, और इनको तो थाली परोसी हुई मिली है। और लेकिन इन सब चीज़ों को बना, जैसे मैं हूँ एक एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर, मुझे भी ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा लोग हम लोगों को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि ये है वो है, जैसे कि उन्होंने किया था। यार ये धूप कैसे है? हाँ, जैसे कि उन लोगों ने किया। फिर बिग बॉस के मेकर्स प्लस जो भी है उनका, मेरे को नहीं पता, तो उनको ये लगा कि अभिषेक इतना अच्छा खेल रहे हैं तो इनका कॉन्फिडेंस डाउन किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन लोगों ने मनीषा रानी का कॉन्फिडेंस डाउन किया, इतना बोल बोल के जब वो रोई और सब उनको टारगेट कर रहे थे घर के लोग। वो अभिषेक को प्ले करती है, वो लोगों को उकसाती है, एंड शी स्टेप्स बैक। जैसे आपने कहा प्रीवियस एपिसोड में, आग लगाना मनीषा की खासियत है, एंड आई फाइंड दैट नॉट अ वेरी अट्रैक्टिव क्वालिटी, हेंस एफआईआर अगेंस्ट मनीषा। सर एफआईआर दर्ज होगा मनीषा के लिए। तो मेरा मानना है कि हम अपने आप को तो स्ट्रॉन्ग समझते हैं, और स्ट्रॉन्ग समझना अगर ओवर कॉन्फिडेंट है तो हाँ हम ओवर कॉन्फिडेंट हैं, और हम अभिषेक और एल्विस को बहुत स्ट्रॉन्ग समझते हैं, बट अगर इतने स्ट्रॉन्ग को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो इसका मतलब मनीषा रानी सबसे स्ट्रॉन्ग है। अगर देखिए तो सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, तो मुझे लगता है पूजा दी खुद से ही मेरे मन में मेरे बारे में क्या क्या सोच लिए। जान जरा इसलिए मैं बोलता नहीं। एक मैं तेरे को चीज बताता हूँ, एक तो तेरी ये वाली लाइन है ना, मैं रियल हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, होगी उसके बाद इन्होंने कॉन्फिडेंस डाउन किया एल्विश यादव भैया को। तो छोटा नहीं है इसमें, दो दो ही बन रहे हैं, फिर जिनको एक्स्ट्रा भूख लग रही है वो अपना बना के खा सकते हैं। जो कोई खाना लेने आता है ना हमारे वहाँ पे, पूछते नहीं कि वो कितने बारी ले रहा, कितने बारी आ रहा। हम बना बना के खिलाते तब कोई नहीं देखता यहाँ पे। काउंटिंग मत बोला करो इन चीजों में ना, बहुत छोटा साउंड करता, सबको पता है कौन कैसे छोटा साउंड कर रहा है। गलत हुआ उनके साथ, फिर सबसे सुपीरियर है यहाँ पे है ना, और भाई उनके लीडर है कि कभी इसके पास कभी उधर कभी उधर, उनमें से मैं से चार है टोटल, एक बंदा ठीक है, दो बचते हैं वो बराबर के फेक है, उनको भी पॉइंट आउट करने का बोलते तो कर। सबको बुला लेते स्टेज पे, काम खराब है क्या, सुनाई नहीं देता तुम्हें, ऊंचा सुनाई देता है क्या? आप डॉक्टर ठीक कर सकते हो? नहीं, तुम्हारा तो मरीज हो। अच्छा, सिस्टम हैंग होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो तो हो ही चुका है। अब सब लोग मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देंगे सिस्टम 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 सिस्टम, एल्विस यादव विनर बटन एल्विस, लेकिन शांत रहो बेटा। वाइल्ड कार्ड रहते वो शुरू से देख के आते हैं, शुरू से देख के आते हैं वो, तो उन लोगों के एक एडवांटेजेस होते, एक एडवांटेज ये हो गया कि वो देख के आ रहे हैं कि कौन सही खेल रहा है, कौन खराब खेल रहा है, कौन कैसा है, कौन कैसा है, तो उनको उनके बारे में बिल्कुल पता रहता है। ठीक है, फर्स्ट एडवांटेज ये हो गया। एक डिसएडवांटेज ये भी है कि अपनी पर्सनैलिटी लोगों को दिखाने में उनको थोड़ी मतलब टाइम कम मिलता है, ये भी हो गया, चलो ठीक है। पर जो अभिषेक ने बोला वो पूरा पूरा नहीं बताया गया, अभिषेक ने वो उनकी मम्मी से ये बोला गया कि वाइल्ड कार्ड को कम भी कंसीडर नहीं करते एज देयर पॉइंट ऑफ व्यू, जो पीओवी करते रहते हैं ये लोग एज देयर पीओवी, पर अगर अभिषेक की जगह एल्विश यादव जीते तो खुशी होगी क्योंकि उनकी कम्युनिटी से कोई जीत रहा है, तो उनकी क्या मेरी भी कम्युनिटी है ना गाइस, मैं भी यूट्यूबर हूँ, मतलब गाइस मैं भी यूट्यूबर हूँ, तो हाँ मतलब हमारी कम्युनिटी कितना अच्छा लग रहा है सब हम लोग, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। तो मतलब यार मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ, मुझे थोड़ी बुला रहे। ठीक, तो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, मैं ज़्यादा खुश हो गई थी, तो हम लोगों की कम्युनिटी मेरी भी लोग मुझे गाली बकेंगे एल्विश यादव के फैन, नहीं मैं तो कुछ बोल ही नहीं रही मैं डरती हूँ क्या किसी से,
किसी से डर लगता है क्या मुझे? देखो गाइस, जिसको लड़ना है ना, मतलब मैंने स्टोरी डाली है कि सपोर्ट फुकरा इंसान, भाई मुझे लगता है कि फुकरा इंसान को सपोर्ट करना चाहिए, तो मैं कर रही हूँ, मैं डाल रही हूँ। आपको अल्पेश यादव का सपोर्ट करना है, आप करिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि अल्पेश यादव बेकार है, लेकिन मैंने क्या किया है कि मैंने बहुत सारे वोट अल्पेश यादव को भी दिया और बहुत सारे वोट मैंने फुकरा इंसान को भी दिए, क्योंकि मैं दोनों तरफ हूँ यार। मैं नहीं, तू समझा नहीं, समझ नहीं पा रही हूँ किसका सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जो खुल्लम खुल्ला सपोर्ट है ना, वो तो मेरा है फुकरा इंसान को, क्योंकि वो उन्होंने शुरू से और उनके जो बहुत सारे, क्योंकि उन्होंने पूजा भट्ट को बहुत सी चीज़ें बोली होना चाहिए, और भले ही उनको ट्रॉफी मिले ना मिले, लेकिन हमारे दिलों में फुकरा इंसान जीत चुके हैं। और ये तो आप जानते ही होंगे, फुकरा इंसान ए के ए अभिषेक जीते या फिर सिस्टम अल्पेश यादव जीते, मेरे लिए एज माय पीओवी फुकरा इंसान विनर। सिस्टम हैंग करना है, कर दो, जो भी करना है आपको करो, ये आपके है। ऐसे मैं किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ कि अभिषेक भैया को ही वोट करो, आपको अल्पेश भैया को वोट करना है, आप अल्पेश भैया को वोट करो। जाते जाते एक चीज़ और बोलना चाहूँगी मैं, कि अगर जबरदस्ती जीती तो आप लोग समझ लेना कि ये पूरा शो बायस्ड है, ये पूरा शो स्क्रिप्टेड नहीं, मतलब समझ सकते हैं एक स्टोरी लाइन के आधार पर चला ये पूरा शो, के जो प्रोड्यूसर बोलते हैं कि क्या है, हाँ वही, वो उनके पापा ने महेश भट्ट ने पैसे दिए हैं अपनी बेटी को जिताने के लिए, ये सब समझ लेना। और उसके बाद से अगर पूजा भट्ट जीत गई तो भाई मैं बॉयकॉट कर दूंगी, बिग बॉस ही ना देखूंगी, मेरे को बहुत अच्छा बिग बॉस है, यहाँ तक कि बिग बॉस में जाऊंगी भी नहीं, वैसे बिग बॉस वाले मुझे बुलाएंगे नहीं, लेकिन हो सकता है यार आगे जाके मुझे भी बिग बॉस में बुला लें। और अगर ऐसा हुआ तो आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे कि नहीं, ये भी बता देना कि मुझे बिग बॉस वाले अगर बुलाएंगे तो आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे कि नहीं। मेरी जनता वैसे 500 की जनता यार, 500 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, बहुत ही खुशी हो रही है मुझे, लेकिन आप लोग और सब्सक्राइब कर देना, तो इसलिए बोल रही हूँ, जाते जाते सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और कमेंट करके ये भी बता देना कि आप किसको वोट किए हो और किसको सपोर्ट कर रहे हो, और आपको क्या लगता है कि पूजा भट्ट को क्या जिताएंगे? वैसे मुझे तो नहीं लगता जिताएंगे, लेकिन अगर वो जीत गई तो यार फिर नहीं देखना बिग बॉस, फिर तो ये सब बेकार है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। जाते जाते एक बात और बोलना चाहूंगी, वोट फॉर इंसान को वोट कर देना प्लीज। अब अल्पेश यादव भैया के सब्सक्राइबर्स जो फैंस है वो मुझे गाली बकेंगे, पकड़ो मेरे को क्या करना, लेकिन जीतेंगे तो अभी से भैया।